हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आज 16 नवंबर के हुए रोजगार महा आंदोलन की। देख सकते हैं दोस्तों कि आज एक बड़ा रोजगार महा आंदोलन था। प्रयागराज के बालसन चौराहे पर सैकड़ों छात्र पहुंचे हुए थे अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, और शिक्षक भर्ती वाले बहुत सारे छात्र यहाँ पर थे। मांग है 27,000 नई TGT PGT की भर्ती जारी की जाए, LTGIC में नई भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ UP SSC से बहुत सारे वादे किए गए कि 50,000 भर्ती होगी, 70,000 होगी, 74,000 होगी, 1,00,000 होगी, हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। देख सकते हैं कि अच्छे खासे छात्र आज मौजूद थे और यहाँ पर नारेबाजी हुई, मांग हुई रोजगार को जल्द से जल्द दिया जाए और जो भी पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में उसे जल्द से जल्द भरा जाए। वादे बहुत सारे किए गए लेकिन वादों को पूरा नहीं किया गया, और इसी कड़ी में देख सकते हैं कि बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अभी भी जितने छात्रों की उम्मीद थी उतने छात्र नहीं आए, और जो भी हुआ आप ये वीडियो देख लीजिए। इसी के साथ साथ प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है युवा मंच की द्वारा। इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि 5,00,000 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए और हर युवा गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी मुद्दे पर बालसन चौराहे पर इकट्ठा हुआ था, और एक सप्ताह के अंदर यदि सभी रिक्त पदों को विज्ञापित नहीं किया गया तो 30 नवंबर को बालसन चौराहे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का आगाज होगा। और घंटों प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और ऐलान किया गया है कि 30 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा यदि इससे पहले भर्ती नहीं आई। खासतौर पर किस भर्ती की मांग हुई तो देख सकते हैं 27,000 TGT PGT, 12,000 LT ग्रेड, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस विभाग में 52,000 भर्ती। साथ ही साथ UP SSC से बहुत सारे पदों पर वादे किए गए थे। टेक्निकल फील्ड में कुछ भी भर्तियां नहीं आ रही हैं। BTEC डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए BPED के 48,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, ये सारी मांग की गई है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या बयान आता है और आखिरकार भर्तियां कब तक आती हैं। TGT PGT को लेकर 20 नवंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है चयन बोर्ड में, और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा नई भर्ती को लेकर, और उसकी भी अपडेट आपको बहुत ही जल्दी जाएगी। साथ ही साथ LT ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन खबर आ रही है कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है इस महीने नहीं तो अगले महीने तक LT ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये था आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।